आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं SBN लाइव न्यूज। मेरे साथ हैं सर मोहम्मद आसिफ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आज हम सर से जो डिस्कस करने वाले हैं और हमारे शो में जो बात करने वाले हैं वो हमारी खास मेहमान अपर्णा यादव की करेंगे। जी मैं उन्हें खास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो खास बन चुकी है। अपर्णा यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है समाजवादी पार्टी से अलग होकर, यानी अपने परिवार की ही पार्टी, अपने परिवार से अलग होकर। जब तक वो अपने परिवार में थी इतना नहीं पहचानी जाती थी, लेकिन जब से अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में आई है उनकी एक अलग अपनी पहचान बन गई है। वहीं लगातार अपर्णा यादव के नाम पर चर्चा होना, अपर्णा यादव के बारे में बार बार बातें आना, उनकी निराश, यूजर्स, लोग, जनता उनको इतना पसंद कर रहे हैं। आखिर कौन है अपर्णा यादव, क्यों अपर्णा यादव को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्यों वो इतनी खास बन गई है? तो हमारे साथ सर हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में और पहले उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर आप क्या सोचते हैं अपर्णा यादव के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए साक्षी आपने बहुत जो है बहुत अहम मुद्दा पे जो है बातचीत किया और बाखूबी से आपने समझाया, कितने अच्छे से इंट्रो में ही आपने बताया। देखिए अपर्णा खास इसलिए हुई है क्योंकि वो बीजेपी में आई है, इसलिए नहीं, इसलिए वो खास हुई क्योंकि एक मुलायम परिवार से आई है और चर्चा का विषय इसलिए बना, सुर्खियों में इसलिए रह गई, बहस का मुद्दा इसलिए छिड़ने लगा क्योंकि वो मुलायम परिवार को छोड़ दिया। वो ऐसे वक्त में जब मुलायम को जरूरत थी, सपा को जरूरत थी, लेकिन उन्हें छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और चर्चा और भी तब होने लगा जब उन्हें जो है टिकट नहीं दिया गया, उससे ज्यादा चर्चा और भी तेज होने लगी जब उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली योगी के। यही वजह है कि लोग चर्चा ये करने लगे कि अपर्णा यादव के साथ नाइंसाफी हुई, उन्हें धोखा मिला, वो जो उम्मीद करना चाह रही थी वो उनके साथ जो है नहीं उम्मीद पे खड़ी हुई। इसका इशारा अपर्णा यादव ने भी दिया, एक उनका बाइट भी है, बयान भी है, जिसमें वो कहते, उनसे जब मीडिया ने, पत्रकारों ने पूछा कि मैम ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आप क्या उम्मीदें करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो भी मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि शायद उन्हें कोई पोस्ट मिलेगा, लेकिन साक्षी ऐसा हुआ नहीं। यही वजह है कि आज पूरे देश में, यूपी के चुनाव में, सियासत में आज हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो वक्त है क्या अपर्णा के लिए सही होगा, क्या बीजेपी उनके साथ सही जो है सही डिसीजन लेगी, सही तोहफे देगी, और कौन सा तोहफा देगी, इसका इंतजार करना होगा। देखिए अभी आपने बताया उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा जताई, लेकिन जिस तरह की बगावत उनके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी ने कर दी है। देखिए अपर्णा यादव ने बहुत ज्यादा भरोसा दिलाया था बीजेपी को वहां आकर, और शायद किसी ना किसी सोच से, समझ से वो यहाँ आई होंगी कि मुझे यहाँ वो आदर मिलेगा जो मुझे अपनी पार्टी, अपने परिवार से नहीं मिला। लेकिन स्टेडियम में भी ना आना, क्या उनकी निराशा नहीं लगती? क्या वो निराश नहीं है बीजेपी से? आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी के लिए क्या एक्शन अपर्णा लेने वाली है? बिल्कुल, देखिए बहुत बाखूबी से आपने बताया, कितने तरीके से भी, कि देखिए आज जो उन्हें नहीं मिला, या फिर निराशा जैसे शब्दों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपर्णा को नहीं मिला। और सबसे ज्यादा तो तकलीफ तब समाजवादी पार्टी हुआ क्योंकि यादवों का जो वोट जो है उनको लुभा लिया और बीजेपी को फायदा पहुंचाए। और बीजेपी को फायदा तो मिला लेकिन अपर्णा को नहीं मिला। अब आपने जो आखिरी में एक सवाल छोड़ दिया वो ये कि अब बीजेपी उनके लिए क्या करे, मुझे ये लगता है कि अभी सूत्रों से भी पता चला था कि 2024 में जो साक्षी इलेक्शन होने वाला है लोकसभा चुनाव का, उसमें समाजवादी पार्टी के खिलाफ इन्हें खड़ा किया जाएगा। ये देखिए बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी तो है नहीं, एक से एक चतुर उन्हें भरे हुए हैं, एक से एक दिमागदार है, तो कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे यूज करना है अपर्णा यादव का, ये बीजेपी को बाखूबी से पता है। और ये चीज करते हुए यादवों का वोट बैंक को कैसे बटोरना था उसके लिए उनको जो है अपर्णा को शामिल हो गए, उनको मौका दिया गया। तो मुझे लगता है जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी का क्या रुख रहेगा, तो रुख ये रहेगा कि 2024 के इलेक्शन में अपर्णा यादव को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, जिससे समाजवादी पार्टी को और झटका लगे, यादवों का जो वोट बैंक है उसको अपनाने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, आपका मतलब ये कहने का है कि अपर्णा यादव को उस वक्त वो पद मिल सकता है जो वो चाहती है, और उस पद पे रुक के वो अखिलेश यादव का सामना करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने इसका हमें आंसर दिया जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ, देखिए अपर्णा यादव तो वहां पर टिकी हुई है और उम्मीद अभी नहीं दिख रही है कि वो वहां से छोड़कर कहीं जाएंगी। जिस तरह खुशी उनके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रही है, बधाई दे रही है, वहीं उनके पीछे उनके परिवार का एक और सदस्य तैयार हो रहा है पार्टी में आने के लिए। आपकी उस पर क्या राय रहेगी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है अपर्णा यादव को बहुत बड़ा फर्क पड़े कि उनके परिवार का सदस्य
उस पार्टी में आ रहा है जहां वो छोड़कर गई है, उनके बारे में बताइए। देखिए, आप शिपाली यादव के बारे में चर्चा कर रही हैं और साक्षी आपने भले नाम नहीं लिया लेकिन इशारा आपका वही है। उनके आने से जिस तरह से चर्चा चल रही है, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के नेताओं को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिस तरह से पीएम मोदी को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इसे साफ लाजमी है कि वो बीजेपी में आने की कहीं ना कहीं अटकलें कर रहे हैं। भले वो खुलासा भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इंतजार कीजिए, बड़ा कुछ बोलने वाले। बहरहाल तो मुझे ये लगता है कि अगर बीजेपी में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब वो इसलिए क्योंकि शिवपाल यादव और अपर्णा यादव का कंपेयर किया जाए तो राजनीतिक कैरियर में ओहदा जो है वो शिवपाल यादव का बड़ा है, क्योंकि वो विधायक भी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो अच्छा पकड़ है, वो आज तक चुनाव भी नहीं हारे हैं। लेकिन अपर्णा यादव के बैकग्राउंड को देखें तो उनके मुकाबले में ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी। तो आने से अपर्णा यादव का जो कद है, जिसको लेकर आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, वो और भी घट जाएगा ना कि बढ़ेगा। शिवपाल यादव का कद बढ़ जाएगा, उनको चर्चा भी यही हो रही है कि भेजा भी जा सकता है, डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है, खूब चर्चा हो रही है। लेकिन अपर्णा को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवपाल के आने से लोटिया अपर्णा यादव का ही डूबेगा, बीजेपी का नहीं डूबेगा। तो देखिए, अपर्णा दुआ करती होंगी कि शायद वो शामिल ना हो इसमें। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि वो उनके परिवार के ही सदस्य हैं और यहाँ पर आना, तो इसी बीच एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव के परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि पहले तो अपर्णा यादव चली गई, अब शिवपाल यादव की बारी है, तो क्या अखिलेश यादव अभी अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं या अपने परिवार से कोई कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं? कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं कि पहले अपर्णा यादव चली जाती हैं, फिर शिवपाल यादव चले जाते हैं? क्या वो अपने पार्टी में से धीरे धीरे जो अच्छे या बड़े अच्छे नेता हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? उनका जो सोच है वो कहाँ जा रही है या आगे क्या सोचकर वो ये काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है साक्षी आपका, इसको गंभीर से समझना बहुत जरूरी भी है। एक बात ध्यान रखे, दर्शकों को भी मैं चाहूंगा ध्यान रखे, राजनीति में पहली बात कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि ये जो कुर्सी की जो मलाई है ना साक्षी, इसके लिए कोई किसी हद तक भी जा सकता है और कोई किसी हद तक गिर भी जाता है। तो पहली बात ये ख्याल ना रखे हम लोग कि अपने हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं। अपर्णा ये एक बयान भी दिया था कि मैं आज भी मुलायम की बहू हूँ, रहूंगी या जिंदगी भर रहूंगी। बिल्कुल भाई, बहू तो बहू होती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई किसी का अपना नहीं होता है। तो आज अखिलेश यादव के सवाल में आ रहा कि संभाल नहीं पा रहे। तो देखिए, आने वाला जो 10 साल के बाद होगा ना साक्षी, बीजेपी भी में भी ऐसी बगावत शुरू हो जाएगी। यूपी चुनाव में ही उनके कई ऐसे छोटे क्षेत्रीय दल थे जो उनसे बगावत कर ली। देखिए, आज राजभर अलग हो गए हैं, निषाद पार्टी में ने भी ड्रामा किया। तो ये चीज होती है राजनीति, पार्टी में जब किसी को पोस्ट नहीं मिलता है, जो कुर्सी की लालच है, मलाई है, वो नहीं मिलता है, तो अक्सर ऐसे बगावती तौर अपना लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एग्जाम्पल, कांग्रेस की सरकार गिरा दी उन्होंने, आज देखिए वो दिन मंत्री बैठे हैं मोदी सरकार में। तो मुझे ये लगता है, आपने जो कहा था कि अपने होने के बावजूद, तो अखिलेश यादव अपनी जगह सही है, जिसकी जो मर्जी है, जहाँ लालच मिल रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन इसी बीच से मुझे एक और सवाल बिल्कुल याद आया जो मैं पूछना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि देखिए हमने ये बात कर ली कि शिवपाल यादव जाना चाह रहे हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं संकेत आ रहे हैं, अपर्णा यादव वहां है ही, लेकिन इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम की बात करूं तो उन्होंने ये बात कही थी कि अभी वैकेंसी नहीं है, यानी कि मैं इसे क्लियर बोलूं तो अभी जी पार्टी में अभी जगह नहीं है, ये साफ तौर पर उन्होंने बात कही। कहीं उनका इशारा शिवपाल यादव की तरफ तो नहीं कि वो ना आए, जबकि शिवपाल यादव बिल्कुल साक्षी देखिए आपने बता ही दिया, मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी। बीजेपी को अभी ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनका एक पार्टी हो, जिनका दबदबा हो, यादवों वोट बैंक पर पावर हो, तो ये बीजेपी ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर देखिए आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और ना शिवपाल यादव को लेकर कह रहे हैं, वो जो अपना कह रहे हैं करते जा रहे हैं, और वो कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये अटकल इसीलिए तेज हुई है। लेकिन बीजेपी ऐसी कतई गलती नहीं करेगी, क्योंकि यादव वोट बैंक की उन्हें जरूरत है लोकसभा चुनाव में साक्षी। तो मुझे लगता है ऐसी गलती बीजेपी कभी नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरह बात कही कि बीजेपी गलती नहीं करेगी, और वही बात है कि बीजेपी चूकती नहीं है गलती करने से बिल्कुल भी, और रास्ते नाप कर ही चलती है। तो अब यही देखने वाली बात होगी कि शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या वो सिर्फ संकेत ही देते रहेंगे या फिर उस पार्टी में शामिल भी होंगे। लेकिन जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके पास लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SPN9 News।